एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बमबम है बीजेपी। बीजेपी के यूपी के प्रभारी, चुनावी प्रभारी ओम माथुर से बात की है मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। एग्जिट पोल के नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर साहब हैं। माथुर साहब, बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता ने पिछले दो सालों से जो प्रकार से परिश्रम किया है, और इसलिए हम तो पिछले चार महीने से कह रहे हैं दो तिहाई बहुमत से हम जीत रहे हैं। अब एग्जिट पोल का अपने एक साइंस होता, आप लोगों का अपने एक गणित होता, एक सैंपल सर्वे आप लोग करते, स्वाभाविक है। हमने जो काम किया वो आप लोगों ने दिखाया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नंबर कम पड़ा तो ऐसी स्थिति में वो बसपा से हाथ मिला सकते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का आपको आठ माह के सारे स्टेटमेंट देखने चाहिए। लगातार साल भर वो काम बोल रहा है, विकास के आधार पर आऊंगा मैं दोबारा, लेकिन हमारी परिवर्तन यात्राएं चलने लगी तो काम की पोल खुल गई और उनको एक कमजोर बैसाखी को सपोर्ट लेना पड़ा, जो बैसाखी स्वयं व नेतृत्व तो करने के लिए आए थे। दिल्ली से एक नेता इम्पोर्ट किए गए थे, वो बीच में ही भाग गए, और उन्हीं नेताओं ने अभी चुनाव के दिनों में कुछ और वाक्य अपने नेता के लिए कह दिया। पोलिंग के दिन अखिलेश बाबू ने कहा गठबंधन सबसे बड़े दल के रूप में आ रहा है, और कल मुख्यमंत्री से पहले उनके चाचा बोल गए। चाचा ने कहा कि हार अकेले मुख्यमंत्री पे देने की जरूरत नहीं है। तो फिर भतीजे को ध्यान आया कि अब तो बुआ की गोद में जाना पड़े हमको, तो करे अच्छा है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से। आपको कितने सीट की उम्मीद है? दो तिहाई बहुमत से सरकार बना रहे हैं, बाकी आप गणित लगाइए। तो ये थे ओम माथुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दो तिहाई बहुमत मिलेगी।